हैं, जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, जो इस साल भयानक त्रासदी झेल रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। मॉनसून के दौरान जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो हिल स्टेशन में, वहां पर भारी तबाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और तबाही के कारणों की जांच करने पर सुप्रीम कोर्ट अब सहमत हुआ है। साथ ही कोर्ट अध्ययन के लिए कमेटी बनाने पर भी विचार करने की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित सभी 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में परिस्थितियों के मुताबिक जो नाजुक क्षेत्र हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, हिल स्टेशन, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, बड़े टूरिस्ट क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों की वाहन क्षमता जो है उसका पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का संकेत भी दिया है। और हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव जुड़ गए हैं। आशीष, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जिस तरह की तबाही इस साल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, दशकों में ऐसा नहीं हुआ, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कितना अंधाधुंध निर्माण वहां पर किया गया है संवेदनशीलता को दरकिनार करते हुए और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यहां पर संज्ञान लेना बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो हमारी धरोहर है उनको बचाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम, हम देखते हैं कि गर्मियों में खासतौर पर जब सीजन होता है तो चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो शिमला हो, चाहे कोई भी बड़ा हिल स्टेशन हो जो टूरिस्ट स्पॉट होता है, वो खचाखच भर जाता है। वहाँ ना गाड़ियाँ घुस सकती हैं, ना होटल मिलते हैं, ना सड़कों पर खाली कोई रहता है, वहाँ यूटिलिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, तमाम दिक्कतें होती है, रास्ते में रोड जाम होता है, ना आप जा सकते हैं, ना आप आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पर एक बहुत भारी बोझ एज ए टूरिस्ट हम लोगों ने डाल दिया है। और कहीं ना कहीं यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी अब लगती है कि वो वक्त आ गया है कि जब इस तरह की त्रासदी, इस तरह की घटनाएं तबाही में बदलने लगे, त्रासदी में बदलने लगे, तो फिर सरकारों से काम नहीं चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को सख्त होना पड़ेगा। और यही विषय, यही वजह है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो विचार कर रहे हैं कि एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया जाए, और उसका रेमिट ये होगा कि वो वहाँ जो टूरिस्ट मेन मेन 13 राज्यों में जो हिमालय क्षेत्र के जो टूरिस्ट प्लेस हैं, खासतौर पर हिल स्टेशन, उनका आंकलन करें, उनकी वहन क्षमता देखें कि कितने टूरिस्ट अलाउ होने चाहिए यहाँ पर, वहाँ की किस तरह व्यवस्था होनी चाहिए, गाड़ियों की कितने अलाउ करने चाहिए, ये तमाम चीज़ों को देखें। हमने देखा था कि कुल्लू मनाली रोहतांग पास के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था, जब वहाँ पर दिक्कत हो गई थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बनाई थी, आदेश दिया था कि एक दिन में 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाएंगी, डीजल की गाड़ियों पर बैन भी करने के आदेश दिए थे उस जगह पर। तो ये काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर है कि जब सरकारें इस तरह की चीज़ों को नहीं रोक पा रही हैं, तो देश की सबसे बड़ी अदालत को उसमें दखल देना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट पैनल के नाम सुझाए जाएं, ये एक बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का कि देश के इकोसिस्टम को बचाने के लिए, वातन नेचुरल जो हम कहते हैं, प्रकृति, प्रकृति पर कितना बोझ डाला जाए, प्रकृति पर बोझ कैसे कम किया जाए, किस तरीके से हिल स्टेशनों पर व्यवस्था बनाई जाए, क्यों सरकारें वहाँ पर निष्प्रभावी हो रही हैं, क्यों सरकारी नीतियाँ लागू ढंग से नहीं हो रही हैं, किस तरीके से अंधाधुंध निर्माण हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पे एक जांच का विषय रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट जब 28 अगली सुनवाई करेगा तो वो काफ़ी अहम होगी इस मुद्दे पर।